और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गुजरात की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारायणपुरा इलाके में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ अमित शाह। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं, आज अहमदाबाद में पोलिंग जारी है सुबह 7 बजे से। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी थी, वोट डालने के बाद लोगों से मिलते हुए नजर आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह भी नजर थे, मौजूद थे। इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर आपके सामने है, लाइव तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर अपने परिवार के साथ नारायणपुरा इलाके में वोट डालने के लिए जाते हुए गृहमंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। और जाहिर तौर पर 400 पार का नारा एक बड़ा नारा, जिसके लिए पुरजोर कोशिश बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री लगातार हर दिन 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही है, उनके परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं। और इलाके के जब लोग मिले तो देखिए किस तरीके से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बीच बीच में एक भीनी सी मुस्कान लिए हुए आगे बढ़ते हुए, और जाहिर तौर पर इससे पहले उन्हें पूजन अर्चन भी किया है, चूंकि माथे पर तिलक भी आप देख सकते हैं। खास दिन है, बड़ा दिन है, गुजरात से गृहमंत्री आते हैं और आज अपने गृह क्षेत्र में, चूंकि वोट उनका नारायणपुरा इलाके का ही है, लिहाजा वो आज उनकी मौजूदगी यहीं पर है। अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए उनकी पत्नी को भी आप देख सकते हैं, जो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही थी, व्यक्ति का साइन दिखा रही थी। ये नारायणपुरा बूथ है जहां पर कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह वोट डालेंगे। और बूथ में अंदर पहुंचने से पहले देखिए, जब बच्चे वहां पर मिले तो उन्हें भी निराश नहीं कर रहे हैं, ऑटोग्राफ देते हुए गृहमंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। एक बड़ा क्रेज यहां पर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह का भी रहता है। जब भी वो लोग अपने गृह क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर एक कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है। और वहां पर जब बच्चे मिलने आते हैं तो इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलती है। देखिए बातचीत भी कर रहे हैं और पैन जो है सर पे मारकर एक भाव देने की कोशिश, प्यार जताने की कोशिश यहां पर गृहमंत्री अमित शाह की। जो लोग मौजूद हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए गृहमंत्री का आप देख पा रहे थे हाथ जोड़कर। नारायणपुरा ये बूथ जहां पर कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह आपको वोट डालते हुए नजर आएंगे, अपने परिवार के साथ वो मौजूद हैं। आज खास दिन है, 93 सीटों पर तीसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है, जिसमें यूपी की 10 सीटें हैं, गुजरात में भी इस वक्त वोटिंग चल रही है। और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ही कहते हुए नजर आए, चूंकि गर्मी बहुत है लिहाजा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो भी मेंटेन रहेगी। और यहाँ पर देखिए बूथ अंदर जब वो जा रहे हैं तो इस बीच किस तरीके से वहां लोग जो मौजूद हैं उनसे भी, हालांकि बूथ के पहले की तस्वीरें हैं ये, जो मौजूद लोग हैं हाथ हिलाकर और साथ ही हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा रही हैं उनकी पत्नी। आप देख सकते हैं परिवार के साथ हैं, जय शाह भी, उनके बेटे भी मौजूद हैं। और वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद अब बूथ के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अब गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ वोट डालेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बूथ के अंदर की। आज गुजरात के अहमदाबाद में भी पोलिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में काम करते हैं, आज उन्होंने भी देखिए वोटर आईडी कार्ड सबसे पहले दिखाया। जो प्रक्रिया पूरी रहती है, चाहे वो गृहमंत्री देश की हो, लेकिन उस प्रक्रिया को वो लोकतंत्र के अंदर जो बनाई गई है सभी के लिए, चाहे आम हो खास हो, उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए वो वोट कास्ट करेंगे। आज पोलिंग तीसरा चरण है, जिसमें 93 सीटों पर देश भर में वोटिंग लगातार जारी है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद पर भी आज ही वोटिंग है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीरें सामने आई थी, उन्होंने भी वोट कास्ट किया और स्याही लगी उंगली को दिखाते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से भी अपील की है। अब गृहमंत्री अमित शाह की बारी है और ये बूथ की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, चूंकि अहमदाबाद गृह क्षेत्र प्रधानमंत्री के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह का भी रहा है। और यहाँ पर देखिए जो स्याही है वो लगाती हुई जो कर्मी है वो नजर आ रही है और इंतजार कर रहे हैं वोट कास्ट करने का। कड़ी सुरक्षा और इन सब के बीच में जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा जो कर्तव्य है, उसको भी निभाते हुए गृहमंत्री नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उनके बेटे अंदर गए हैं, जय शाह, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं वोट कास्ट करते हुए। और जाहिर तौर पर एक बड़ी लड़ाई है, कड़ी लड़ाई है, हैट्रिक का यहां पर पूरा जोर लगाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। बड़ी रैलियां तमाम
बीजेपी के धुरंधर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में आज अग्नि परीक्षा तीसरे चरण की गृहमंत्री अमित शाह के उंगली पर भी देखिए शाही लगा दी गई है और वो हालांकि इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले उनकी पत्नी जो है वोट कास्ट करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले पूजा अर्चन भी गृहमंत्री अमित शाह ने की है, जो कि आप ध्यान से देखें, उन्होंने एक माथे पे टिकट भी वो तिलक भी लगाया हुआ है। ये बूथ है और यहाँ पर नारायणपुरा, ये इलाका नारायणपुरा, ये बूथ जहाँ पर पूरे परिवार के साथ गृहमंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं। उनकी पत्नी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। अब गृहमंत्री अमित शाह की बारी है और यहाँ पर देखिए भगवा कलर का उन्होंने जो है एक चुनरी भी यहाँ पर डाली हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर भगवा जो कलर है वो आस्था का भी प्रतीक होता है, हिंदुत्व का भी प्रतीक होता है। और आज खास दिन बीजेपी के लिए है, एक अग्नि परीक्षा तमाम पार्टियों के लिए भी है। गुजरात जहां पर हमेशा से क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आई है, 2014 हो 2019 और अब 2024 की ये लड़ाई और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए यहां पर उनकी पत्नी स्याही लगाई हुई उंगली दिखा रही है, जबकि गृहमंत्री अमित शाह को देख रहे हैं वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये एक संकेत है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी ही होने वाली है। बहरहाल 4 जून के जब पिटारे से यहाँ पर वोट की गिनती शुरू होगी तो नतीजे सामने होंगे और ये जाहिर तौर पर नतीजे बताएंगे कि आखिरकार